नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। बीते दिनों LAC पर हमारे जवानों की शहादत के बाद पूरे देश में चाइना के खिलाफ विद्रोह का माहौल है। चाइनीज मार्केट को पूरी तरह से बंद करवाने की बातें की जा रही है पूरे भारत में। अगर बात बिहार की जाए तो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव इस विरोध की अगुवाई कर रहे हैं, काफ़ी विरोध करते इन दिनों नज़र आ रहे हैं। चीनी चीज़ों का, जो भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं उनका काफ़ी विरोध कर रहे हैं, उनके अंदर गुस्सा है क्योंकि हमारे जवान उनसे लड़ते हुए मारे गए हैं, शहीद हो गए हैं। तस्वीरें हम आपको आरा के जगदीशपुर की दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे आरा के जगदीशपुर विधानसभा के ज्ञानपुरा में पप्पू यादव पहुंचे हैं शहीद वीर चंदन यादव के घर पर। उनके पिता हरियानंदन यादव से मुलाकात करने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने इनके परिवार को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद की है और आगे भी 50,000 की आर्थिक मदद करने का आश्वासन दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव इस दौरान, आप सुनिए। माता पिता के लिए हम गवर्नमेंट से 25 लाख रुपए की मुआवजा के साथ एक गेट, तस्वीर मुख्य जगहों पर मेन रोड 4 लेन में सरकार नहीं बनाएगी, उनकी तस्वीर 3 महीने के अंदर पप्पू यादव की तरफ से मुख्य जगहों पर लगे, मतलब मूर्ति लगेगी, मूर्ति। पार्टी के तरफ से हम वैसे तो यहाँ के पूरा भाइयों को और गांव को मेरा नतमस्तक और इस पिता को मैं अपनी तरफ से जितनी मदद हो सकता है पदाधिकारी है। क्या ये दुनिया जानना चाहती है कि अमिताभ बच्चन का KBC में जो चाइनीज एडवर्टाइजमेंट है क्या उसको रुकेंगे? क्या सभी हीरो के द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट है क्या उसको रोकेंगे? यह परिवार, इस पिता को जितना सैल्यूट दिया जाए इस परिवार को उतना कम है। चार चार भाई देश के लिए मरने की तैयारी कर ले एक ही परिवार में, इससे बड़ा गर्व का विषय है। मेरा अंतिम सवाल नरेंद्र मोदी से है, पुलवामा हुआ या करवाया गया उस पर मैं नहीं जाऊंगा। कंप्लीट रूप से खिलौना पर 96% उनका आधिपत है, दवाई पर 92% चाइना का अधिपत है, मेडिकल इंस्टॉलमेंट पर 84% चाइना का अधिपत है। कोई ऐसा पेटीएम से लेकर के, जब मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी पर 12,000 करोड़, किसी पर 36,000 करोड़, किसी पर, और आप भारत में 5-6 ऐसे दलाल हैं जो सरकार के साथ है, जो चीनी कंपनियों को कंप्लीट रूप से कॉन्ट्रैक्ट के पीछे पागल है। 6 साल पहले RSS और BJP का नारा था कि हम अपनी जमीन पर बाजार नहीं बनने देंगे चाइना को, लोकल और वोकल। जब तक आपके पास कच्चे माल का उत्पादन नहीं होगा तब तक भारत आत्मनिर्भर कैसे होगा? और 80% जितना सामान है उसके कच्चे का उत्पादन चाइना से होता है, तो क्या चाइनीज सामान पर बैन लगेगा? क्या IPL में वीवो क्या एडवर्टाइजमेंट खत्म होगा? अमित शाह जी के बेटे उसके अध्यक्ष है, अनुराग ठाकुर के रिश्तेदार पदाधिकारी है। क्या ये दुनिया जानना चाहती है कि में उन्होंने पूरी की पूरी चारों तरफ अपने फौज को स्टैटिक्स कर दिया। श्रीलंका पर पूरे दबाव के साथ उन्होंने वहां पर अपनी सैनिक को कंप्लीट रूप से वहां पर स्थापित किया। आप 6 सालों में अरबों करोड़ों रुपया खर्च किए, 6 सालों में 6 बार चीन गए, 18 बार चीन के राष्ट्रपति से मिले। क्या आपको 18 बार चीन के राष्ट्रपति से मिले और 6 बार चीन गए आपको समझ में नहीं आई? या तो आप ना समझ हैं या तो समझ कर नहीं समझना चाहिए। आज ये हालात क्यों पैदा हो? 71 में
जब पाकिस्तान बांग्लादेश को अलग होने की बारी आई थी तो पूरी दुनिया में इंदिरा गांधी ने अपनी सामरिक ताकत का लोहा मनवा करके बंटवारा कर दिया। आपकी पॉलिसी क्या थी? आप नेपाल कहता है कि मोतिहारी तक मेरा है, बांग्लादेश हमको आंख दिखाता है, चीन तो पहले से ही मुझे मेरी औकात को बता दे रहा है। हमारे सैनिक कमजोर हैं क्या? हमारा देश की जनता कमजोर है क्या? आखिर कारण क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, आप जवाब नहीं दे सकते हैं तो आप पॉलिसी के तहत। तो जैसा कि आपने सुना, पप्पू यादव ने सरकार से मांग की है कि 25 लाख रुपए का मुआवजा शहीद के परिवार को दिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी मांग की है कि जो भी मुख्य चौराहा है, जो भी चौक है उनके गांव का, वहां पर उनका गेट, उनके नाम से एक गेट और उनकी मूर्ति जो है वो श्रद्धांजलि के तौर पर सरकार के द्वारा बनवाई जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो पप्पू यादव खुद ही 3 महीनों के भीतर उनकी मूर्ति बनवाएंगे, साथ ही साथ गेट का भी निर्माण किया जाएगा। और साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि पप्पू यादव चाइना के प्रति अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, चाइनीज प्रोडक्ट्स को लेकर कई सारी बातें कर रहे हैं, उनका पूरी तरह से बहिष्कार करने की भी बातें पप्पू यादव कर रहे हैं। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।